हेलो स्टूडेंट्स, साइटोलॉजी अपना टॉपिक चल रहा था। साइटोलॉजी के अंदर अपन ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस के दो वीडियो मैंने आपको सेंड कर दिए थे। उसके पहले अपन ने सेल वॉल की स्ट्रक्चर कंप्लीट कर ली थी। अपना मेन टॉपिक चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर अपन सेल वॉल की स्टडी कर चुके थे। उसके बाद में सेल वॉल से नीचे की तरफ अपन आते हैं, तो सेल वॉल के नीचे कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। तो आज का अपना टॉपिक जो है उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे अपन आज की वीडियो में। सेल मेम्ब्रेन बोल दो, या इसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है। पहली बात तो ये स्ट्रक्चर सेल में कहाँ प्रेजेंट होती है। एक सेल का अपन डायग्राम बनाते हैं, जैसे अपन एनिमल सेल का डायग्राम बनाए, तो एनिमल सेल में तो सेल वॉल एब्सेंट ही होती है। तो सबसे एक्सटर्नल लेयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, जो इस सेल के कंप्लीट प्रोटोप्लाज्म को चारों तरफ से कवर कर रही है। अंदर पूरा प्रोटोप्लाज्म है, इस पूरे प्रोटोप्लाज्म की कवरिंग लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन ऑब्लिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। ये अपनी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि साइंटिस्टों ने सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर किया था, यानी इसका सेल मेम्ब्रेन नाम किसने दिया, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम किसने दिया। तो यहाँ पर दो साइंटिस्टों के नाम ध्यान रखते हैं अपन। एक तो है साइंटिस्ट नगेली। नगेली नेम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन नाम दिया। और फ्लो नेम के साइंटिस्ट ने, फ्लो नेम के साइंटिस्ट ने इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन नेम किसने दिया था, नेम सेल मेम्ब्रेन नेम गिवन बाय नगेली एक साइंटिस्ट का नाम हो रहेगा, एंड क्रेमर। नगेली और क्रेमर ने सेल मेम्ब्रेन नेम दिया, और प्लो ने इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया। स्ट्रक्चर एक ही है, दोनों के नेम अलग अलग दे दिए, स्ट्रक्चर एक ही है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं इसका केमिकल कंपोजिशन, सेल मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन मीन्स सेल मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोनेंट कौन कौन से, यानी किससे मिलकर के बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है मेनली दो पार्टों से मिलकर के बनी होती है, जिसके अंदर एक तो होता है लिपिड वाला पार्ट, लिपिड जिसको हम फैट भी कहते हैं, प्लस दूसरा होता है प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोटीन जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो टाइप्स की होती है। एक तो होती है एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल प्रोटीन भी बोल सकते हैं अपन। और दूसरी जो होती है वो होती है इंटरनल ऑब्लिक इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब ये कैसे इन दोनों के नाम दिए गए हैं वो तो अपन सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको बताऊंगा। प्रोटीन एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और लिपिड जो होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो फॉस्फोलिपिड फॉर्म में होते हैं। लिपिड जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड फॉर्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन पोर्शन जो होता है सेल मेम्ब्रेन का, अप्रोक्सीमेटली 60% पोर्शन जो होता है वो प्रोटीन ही होता है। इसके बाद में 40% पोर्शन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड, और इसमें भी बहुत ही माइन्यूर क्वांटिटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। वो स्ट्रक्चर के अंदर आपको बताऊंगा कि बहुत ही माइनर क्वांटिटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की चेंस भी, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनकी चेंस भी यहाँ पर पाई जाती है। सेलुलोज की चेंस होती है वो इसके अंदर पाई जाती है, मगर मेन पोर्शन 60% प्रोटीन और 40% लिपिड अपन मान सकते हैं। इसलिए अपन ये कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोनेंट की बात करें तो दोनों वर्ड्स को अपन मिला दिया अपन ने, लिपिड प्लस प्रोटीन, तो अपन ये कह सकते हैं किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें लिपिड तो फॉस्फोलिपिड है और प्रोटीन दो टाइप्स की होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल जो होता है उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो इस टाइप से होती है, दो पोर्शन में डिवाइड होता है। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल इस टाइप से होता है, जिसके अंदर ऊपर जो स्फेरिकल शेप के अंदर जो बनाया है, सर्कुलर शेप का बनाया है, ये वाला पोर्शन इसका
हेड कहलाता है और नीचे वाला जो ये पोर्शन जो होता है इसको अपन टेल कहते हैं। हेड और टेल में डिवाइड होता है एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल। हेड वाला पोर्शन जो ऊपर की तरफ है, ये नेचर की बात करते हैं तो ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। और टेल वाला पोर्शन जो होता है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर आपने आपके छोटे क्लासों के अंदर पहले वर्ड आए होंगे। देखो हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर में डिजोल्व है, कोई भी केमिकली कंपोनेंट जब वाटर में डिजोल्व होता है तो वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जब वाटर में डिजोल्व नहीं होता है तो वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो फॉस्फोलिपिड जो होता है उसको हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होता है, उसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होता है। जो हेड वाला पार्ट होता है जो सर्कुलर शेप में होता है वो हाइड्रोफिलिक है यानी वाटर में डिजोल्व पार्ट है, और जो टेल वाला पोर्शन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का है यानी वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड जो होता है उसका कंप्लीट नेचर कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है। दोनों चीजें आने पर इसका नेचर हो जाएगा पोलर नेचर का, फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब उसके बाद में अपन बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। तो देखो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए वेरियस साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट टाइप्स के प्रिंसिपल्स दिए थे। अपन ये बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल या डिफरेंट टाइप्स के मॉडल दिए थे, अलग अलग मॉडल के थ्रू सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना चाहा था, जिसमें मेनली तीन मॉडल्स आते हैं सेल मेम्ब्रेन के। सबसे पहला मॉडल जो है उसका नाम है सैंडविच, सैंडविच मॉडल। नंबर दो मॉडल जो है उसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और थर्ड जो मॉडल है वो है फ्लूड, फ्लूड मोजेइक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग मॉडल दिए थे, जो मॉडल तीन है, सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूड मोजेइक मॉडल। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट और जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, जो हर एक साइंटिस्ट ने फिर आगे चल करके सही माना, वो मॉडल है फ्लूड मोजेइक मॉडल। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फ्लूड मोजेइक मॉडल है, जो डिटेल के अंदर अपन पढ़ेंगे। सैंडविच मॉडल, सबसे पहला क्वेश्चन तो देखो यही बनता है कि जब अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर उस साइंटिस्ट का नेम पूछा जाता है जिन्होंने ये मॉडल दिए थे, या मॉडल का नेम देकर के साइंटिस्ट का नेम पूछ लिया जाता है। तो ये तीनों मॉडल को देने वाले साइंटिस्ट के नेम वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल जो है वो दो साइंटिस्टों ने दिया था, उन दोनों साइंटिस्टों का नाम है डेनियली एंड डेविशन। एक साइंटिस्ट का नाम है डेनियली और दूसरा है डेनियली और डेविशन। डेनियली और डेविशन नाम के साइंटिस्ट ने सेल मेम्ब्रेन का कौन सा मॉडल दिया था, सैंडविच मॉडल। उसके बाद में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये दिया था रॉबर्टसन, रॉबर्टसन नेम के साइंटिस्ट ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। और तीसरा है फ्लूड मोजेक मॉडल, जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है, ये दिया था जिन साइंटिस्टों में, उनका नाम है, एक का तो नाम है सिंगर और दूसरे का नाम है निकोलसन। सिंगर और निकोलसन नेम के साइंटिस्ट ने कौन सा मॉडल दिया था, फ्लूड मोजेक मॉडल। तो ये आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि सैंडविच मॉडल डेनियली और डेविशन ने, यूनिट मेम्ब्रेन रॉबर्टसन ने, और फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था किसने, सिंगर और निकोलसन ने। अब अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला मॉडल सैंडविच मॉडल, सेल मेम्ब्रेन का सैंडविच मॉडल किस टाइप का है। देखो सैंडविच नाम क्यों दिया, क्योंकि इन्होंने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को सैंडविच जो होती है उससे कंपेयर किया। सैंडविच आप सभी जानते हो क्या होती है, सैंडविच के अंदर ऊपर नीचे ब्रेड होता है, बीच के अंदर पोटैटो का पेस्ट जो होता है वो भरा रहता है, इस तरह से सैंडविच होती है। तो सेम वैसे स्ट्रक्चर उन्होंने इन रेनियल और डिविशन ने सेल मेम्ब्रेन की मानी है। कैसे मानी है, इन्होंने बताया कि जैसे ब्रेड होती है ऊपर नीचे, वैसे प्रोटीन की दो लेयर होती है, ऊपर प्रोटीन की लेयर, नीचे प्रोटीन की लेयर, और बीच के अंदर क्या होता है, पोटैटो की जगह पर सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। अब
पोटेटो की जगह मैं बोल रहा हूँ, ये तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है कि जैसे सैंडविच में बीच में पोटेटो का जो पेस्ट होता है, वैसे बीच में तो फॉस्फोलिपिड के दो लेयर हो गई है, यानी बाई लेयर है, और ऊपर और नीचे ब्रेड होती है, वैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन की लेयर होती है। तो इन्होंने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसे बताई कि बीच में तो क्या होती है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर यानी दो लेयर। तो फॉस्फोलिपिड की एक लेयर मैं ऐसे बनाता हूँ, ये फॉस्फोलिपिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल एक लीनियर फॉर्म में अरेंज कर दिए मैंने ऐसे। ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर हो गई जिसमें हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है वो एक्सटर्नल साइड में यानी बाहर की तरफ है, ऐसे ही दूसरी लेयर जस्ट इसके नीचे उसके अंदर भी हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है वो एक्सटर्नल साइड में होगा ऐसे। तो ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर बन गई है, दो लेयर हुई है, जिनमें इनर साइड में क्या आ रहा है, हाइड्रोफोबिक टेल वाला पोर्शन इनर साइड में और हाइड्रोफिलिक हेड पोर्शन आउटर साइड के अंदर आ रहा है। ये हो गया बीच वाला पोर्शन फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर। और ऊपर और नीचे क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो ऊपर और नीचे अपन प्रोटीन को दिखा सकते हैं कि ये प्रोटीन की लेयर होगी, यहाँ पर भी ये प्रोटीन की लेयर होगी। तो ऊपर नीचे प्रोटीन, बीच में फॉस्फोलिपिड हो गया है, बस सेम यही स्ट्रक्चर बताई थी इन्होंने डेनियल और डिवीजन ने। तो ये तो हो गई है प्रोटीन लेयर नीचे वाली, ये भी क्या हो गई है प्रोटीन लेयर, और बीच वाला क्या हो गया है फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, फॉस्फोलिपिड की दो लेयर एक साथ में, ठीक है। अब थिकनेस की बात करें, इन्होंने कितनी थिकनेस बताई यानी मोटाई कितनी बताई थी सेल मेम्ब्रेन की, तो इन्होंने कंप्लीट सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस तो बताई थी 70 to 85 एंगस्ट्रॉम तक, मगर इनमें डिवाइडेशन कर दिया फिर कि जो प्रोटीन लेयर जो होती है उसकी थिकनेस जो है उन्होंने उन्होंने बताई कि 20 to 25 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होती है प्रोटीन लेयर की। तो ये 20 to 25 है, तो नीचे वाली भी कितनी हो गई है 20 to 25 एंगस्ट्रॉम। और बीच वाली फॉस्फोलिपिड की जो दो लेयर है उनकी थिकनेस बताई थी उन्होंने 30 to 35 एंगस्ट्रॉम। तो कंप्लीट पूरी सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कुछ सबको ऐड कर देंगे अपन, अगर अपन लोअर लिमिट को ऐड करते हैं तो 70 हो जाते हैं, अपर लिमिट को ऐड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 85, कई बुक्स के अंदर कई जगह पर 80 भी मिल सकता है आपको, 70 to 80 एंगस्ट्रॉम या कंप्लीट 80 भी लिखा हुआ मिल जाए। तो एक रेंज है, अपन कंप्लीट रेंज को जोड़ते हैं तो ये 85 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। तो कंप्लीट थिकनेस जो है वो बताई थी उन्होंने 70 to 85 एंगस्ट्रॉम, जिनमें 70 भी हो सकती है 85 तक कितनी भी हो सकती है, जिनमें प्रोटीन की इतनी होती है फॉस्फोलिपिड की इतनी थिकनेस होती है। इस टाइप से सैंडविच मॉडल के अंदर सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को डेनियल और डेविशन ने इस टाइप से बताया था, क्लियर। फिर उसके बाद में दूसरा मॉडल अपन देखते हैं वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में से मॉडल की डायग्राम कोई नहीं होता है, डायग्राम नहीं है इस मॉडल का, क्योंकि इस मॉडल के अंदर भी सैंडविच मॉडल के जैसे बताया, इसमें से क्वेश्चन मोस्टली ये पूछ जाता है कि साइंटिस्ट ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया, तो रॉबर्टसन नाम को ध्यान रखना है। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की बात करते हैं अपन, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल सेल मेम्ब्रेन का जो है उसके अंदर भी इन्होंने सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी अगर थिकनेस की बात करते हैं अपन, तो थिकनेस तो इन्होंने भी कंप्लीटली वही 75 एंगस्ट्रॉम माना है, यानी बीच का रेशियो मान लिया कि 75 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस होती है, ये 70 भी हो सकती है 80 तक भी जा सकती है, मगर अप्रोक्सीमेटली 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होती है। और स्ट्रक्चर इन्होंने भी ऐसी बताई कि ऊपर और नीचे अब प्रोटीन लेयर, बीच में फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, मगर इन्होंने ये चीज़ बताई कि यूनिट मेम्ब्रेन का मीनिंग इन्होंने ये बताया कि एक सेल के अंदर जैसे सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है, वैसे ही उस सेल के अंदर प्रेजेंट जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं लाइक दैट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये सभी इनके भी तो सेल, इनके भी तो मेम्ब्रेन है खुद के, एक सेल की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये तो सेल मेम्ब्रेन हो गई है। अब अंदर अपन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बनाई है, क्लोरोप्लास्ट बनाया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाई है, इनके चारों तरफ भी तो मेम्ब्रेन है, ये सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन हो गई है। तो जैसी स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन की होती है वैसी स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है उनकी भी बिल्कुल इसके सिमिलर होती है। तो सबकी स्ट्रक्चर, सब मेम्ब्रेनों की स्ट्रक्चर सिमिलर हो गई है, इसलिए नाम दे दिया यूनिट। यूनिट का मतलब पैकेज होता है, तो इस पैकेज के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन की जितनी भी मेम्ब्रेन आ रही है सबकी स्ट्रक्चर सिमिलर है, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर और कंप्लीट मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर वो बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए इन्होंने नाम दे दिया यूनिट मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का नाम दे दिया यूनिट मेम्ब्रेन की, सबकी सिमिलर है और अप्रोक्सीमेटली थिकनेस जो उन्होंने 75 एंगस्ट्रॉम बता दी थी,
क्लियर हुआ? तो ये रॉबर्टसन ने मॉडल दिया था। इसके बाद में तीसरा मॉडल बचा है अपना फ्लूड मोजेक मॉडल, जो किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मॉडल है, जो एक लार्ज टॉपिक है, थोड़ा सा इनसे बड़ा मॉडल है, उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो के अंदर। साथ में सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि फ्लूड मोजेक मॉडल प्लस सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन दोनों एक साथ करके इस टॉपिक को अपन कंप्लीट कर देंगे। तो अगले वीडियो में करते हैं अपन फ्लूड मोजेक मॉडल। थैंक यू।